रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। वे कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट के काम को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8th क्लास से आगे नहीं पढ़े थे, दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे, तो उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, पर उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंद को करोड़ों की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, पर उनके द्वारा बताए गए पढ़ाई के सब्जेक्ट अलग अलग थे। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो बिल्कुल अलग अलग विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, पर पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं कहते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका नतीजा क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता कि हाँ, वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था, बुड्ढे को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। अब क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। पैसों का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। पैसों का टॉपिक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, न कि पैसों से जुड़े स्किल पर। इससे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वो भी काफी हद तक उन बेहद पढ़े लिखे राजनेताओं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कारण हुआ है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी? पैसों से जुड़ी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर गवर्नमेंट पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे? क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी इंसान के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला सेंटेंस नेगेटिव है और दूसरा सवाल उठाने वाला।
तो पहले में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि ये कहना कि मैं इसे नहीं खरीद सकता दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, पर मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग की लगातार कसरत करवाते रहते थे। और इसका लॉन्ग टर्म नतीजा ये हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियल रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक इंसान हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा इंसान अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं और दिमाग की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से सेहत और पैसा दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि अमीर डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोड्यूस नहीं करते। पुअर डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि अमीर डैडी की सीख ये थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है। अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है। अमीर डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे। पुअर डैडी खाना खाते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। पुअर डैडी का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत उठाओ। अमीर डैडी का कहना था, रिस्क का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपका घर आपकी नजरों में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, पर उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते जबकि दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी या गवर्नमेंट को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल बेनिफिट, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी फैसिलिटी के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो आर्मी में चले गए थे, और 20 साल के एक्टिव जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल बेनिफिट के विचार को पसंद करते थे और आर्मी द्वारा अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें यूनिवर्सिटी का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार जॉब से आजीवन मिल रही सुरक्षा और जॉब के फायदे जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते थे, मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके लिए बदले में मुझे बेनिफिट मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते थे। वे कन्वीनियंस मानसिकता के खिलाफ थे। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और फाइनेंशियल रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका पक्का विश्वास था कि आदमी को फाइनेंशियल रूप से काबिल होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी जॉब तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे डैडी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स लिखे जाएं, जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे एनालाइज करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद जब वे दिवालियां होने के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने सपोर्ट में ये कहते थे कि गरीब न होने और पैसे न होने में फर्क होता है। पैसे पास में न होना एक टेम्पररी कंडीशन है, जबकि गरीबी परमानेंट है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है,
या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्सप्रेशंस पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की सोच अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल ऑफिसर, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे एनकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में ही मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी मनी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की वो कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी एजुकेशन तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाए। ये बुक उन्हीं 6 लेसन्स के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये लेसन आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि गाइड की तरह लिखे गए हैं। ऐसा गाइड जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे दुनिया कितनी बदलती रहे। तो लेसन 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें हम सीखेंगे लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? वे सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई महंगी कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी साइड वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, पर माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के एरिया में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और उस एरिया के बाकी अमीर लोग, जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर, अपने बच्चों को 1st क्लास से 6th क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6th क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी साइड पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6th क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता,
क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था। मेरे डैडी ने आकर न्यूज़पेपर को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक पार्टनरशिप हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में माइक और मैं दो ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह का था, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, पर हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज होती थी, और हर चीज नई होती थी, पर हमारे पास सब पुरानी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वो राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिमी के सी साइड वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, पर ये चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें ये सोचने के लिए मोटिवेट किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये एक ऐसा आइडिया था जो माइक ने किसी साइंस की किताब में पढ़ा था। एक्साइटेड होकर हमने अपने हाथ मिलाए क्योंकि हमारे पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में भाग दौड़ करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। हफ्ते गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास में थी, एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। आज वहां पर हमारी और पड़ोसियों के टूथपेस्ट की इस्तेमाल की हुई ट्यूब्स पड़ी थी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वो उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पर मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें ये बताया कि जल्दी ही हमारा काफी रॉ मटेरियल जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। प्रेशर बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में ये भी कह दे कि दांत के डॉक्टर्स ने कहा है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर जब घर आए तो वो शॉक्ड हो गए जब उन्होंने वहां 9 साल के दो बच्चों को प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे स्पीड से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ मैक्सिमम हीट पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। और जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। अब आप सोचेंगे कि टूथपेस्ट ट्यूब्स को हम क्यों पिघला रहे थे। एक्चुअली उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे यानी कि लीड के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघल कर लिक्विड फॉर्म में आ सके। इस पिघले हुए लीड को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था।
जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन भारी बक्से थे जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे यानी कि मोल्ड थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए लीड को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, तो तुम लोग जिंक के सिक्के बना रहे थे? मेरे डैडी ने कहा। बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानी कि फेक या फ्रॉजरी शब्द का मतलब समझाया। कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकार बना सकती है, न कि एक आम इंसान। अगर एक आम इंसान सिक्के बनाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। हमारे सपने टूट गए थे। तो आपका मतलब यह है कि ये लीगल है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। इतने में डैडी के दोस्त ने कहा, छोड़ो भी, हो सकता है कि बच्चे अपने पैदाइशी टैलेंट को डेवलप कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, ये इलीगल है, डैडी ने नरमी से कहा, पर तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडिया हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा घर साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे पर हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, पर हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, हाँ, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार ये बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पक्के रूप से अमीर हैं या पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं, उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्नमेंट के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय चीनी की कंपनियां फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हैं और जिमी के डैडी के पास जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक,
ऐसा लगता है कि वे एक एम्पायर बनाने जा रहे हैं, और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से एक्साइटेड हो गए। नए जोश से हमने अपने डूबे हुए बिजनेस के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी प्लान बना लिया कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। प्रॉब्लम ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की चेन और 3 रेस्टोरेंट्स थे। रेस्टोरेंट्स के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सैलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें, माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहां मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और उसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 औरतें बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था, हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे, ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयरहाउसों को संभालता है और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए जहां हम बैठे हुए थे। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और वजन करीब 90 किलो होगा। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा।
अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं पहले आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, माइक के डैडी ने चढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी, उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे का 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और सब्र वाली औरत थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डब्बों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरमार्केट थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और ना ही हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में भी 9 साल की उम्र में 20 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। 4th हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था, इसलिए मैं 10 सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूं। पर 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और चढ़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने गुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, ये मानते थे कि अमीर डैडी चाइल्ड लेबर कानून को तोड़ रहे थे
और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही सैलरी मांगूं, हर घंटे के कम से कम 25 सेंट। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों औरतों के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों औरतें उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट के बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, डील के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक बड़े आदमी का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो मुझे आप पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एनालाइज कर रहे थे। बुरा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट हर घंटे के लिए। मैं आपकी शिकायत गवर्नमेंट से करूंगा। हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर कानून है, आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। शाबाश, अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग या तो जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण या बातचीत ही होता है? और क्या, इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, पर जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था
और जिसे ताले में बंद रखे जाने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो बाकी लोगों से गुस्सा होने लगते हैं, जैसे कि अपने बॉस से, अपने काम से, अपनी पत्नी या पति से। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी नौजवान बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौकों की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच बातचीत की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीजें करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी, पर सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिए थे। आप रिस्क मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, पर आपके लिए हार का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का ऑप्शन चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, पर अब मेरी जानने की इच्छा भी जाग गई थी और अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने की रिक्वेस्ट की है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, पर तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट हर घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? यही कि आप घटिया हैं और अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें।
मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान ये है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने बेचैन होकर मुझसे कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट की ही सैलरी दी, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि प्रॉब्लम मैं हूँ? वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, पर ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जॉब की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बेहतर मौके या ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह से सुलझ सकती है? 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से सैलरी लेकर मुस्कुराते हुए? अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वो ये जानते हुए भी कम सैलरी में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, पर उसमें भी उन्हें सैलरी कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि यही जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया। तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने मुझे बार बार ये नजरिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकेशन मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए सब्जेक्ट अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके। अरे, अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते, तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, स्ट्रांग इमोशन और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रांग इमोशन में गुस्सा और प्रेम मिला हुआ होता है। जब पैसे की बात आती है, तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए स्ट्रांग इमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते। उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं। डरते वे हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिल नहीं चुका पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सैलरी दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सके, जो उन्हें मिल गई।
पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, ये सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। पर अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ा कर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, जॉब से निकाल दिए जाने का डर, खुद के पास काफी पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, ये किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था, एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार सैलरी बढ़वाने के लिए? भयानक, मैंने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था ये काफी नहीं है, मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था। और यही ज्यादातर एम्प्लॉइज को लगता है जब वे अपनी सैलरी के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी सैलरी मिलती थी, उन्हें तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, गवर्नमेंट हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, पर गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, पर वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को नहीं समझ पा रहा था। कोई आदमी गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, पर दरअसल इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी पैसों से जुड़ी हुई पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ते, वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और
बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या पैसों से जुड़ी एजुकेशन या नॉलेज की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं है, मैंने बेचैन होकर पूछा।